चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के वाइस चेयरमैन साहब हैं अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, दिल्ली में आप लोगों ने काफी लोगों को ज्वाइन किया है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार प्रसार और विस्तार कर रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से आगे फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाएंगे आप? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन गरीब बच्चों और बच्चों जो समाज में प्रताड़ित बच्चे हैं उनके लिए काम करने के लिए बनाया गया। इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो सरकार तंत्र की हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती। हमारा काम है एक प्रतिनिधि के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, कि हम उन सारी कमियों को सरकार के सामने रखें और उसको जो है पूरी तरीके से बच्चों के साथ न्याय हो सके, उनका उत्पीड़न रोका जा सके, उनके यौन उत्पीड़न को रोका जा सके। और इसके लिए हम लोगों ने पूरी टीम का गठन किया है, सभी राज्यों से एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं, सभी राज्यों से लोग नियुक्ति के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेज रहे हैं और जो योग्य लोग होंगे उन पर विचार करते हुए उन्हें नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। आगे जैसे दिल्ली एक भारत की राजधानी है, यहाँ पर आप आए हैं सेंट्रल ऑफिस में, यहाँ पर किस तरीके से माहौल लग रहा है, यहाँ पर स्कूलिंग स्लम एरिया काफी है, तो आप टीम से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरीके से इन दिल्ली में तो काफी स्लम है ना, आप देखिए आप जानते हैं जी जी, इस तरीके से उन स्लमों में जाएंगे और उनको शिक्षा हाइजीन खाना पूर्ति जो भी कमियां है किस तरीके से पूरी करेंगे? देखिए हमारी मजबूत टीम बन रही है और जहां तक की बात करें कि जो आप दिल्ली का हाल बता रहे हैं लगभग देश के सभी राज्यों में वैसे ही हाल कुछ कुछ पार्टों में है, लेकिन समस्या इसमें यह है कि वे सभी लोगों को सरकार द्वारा उनको सुविधाएं देनी चाहिए थी, कुछ कारण रहे होंगे नहीं मिला होगा, मैं किसी पे दोषारोपण तो नहीं करूंगा, लेकिन जो हमारी टीम के लोग हैं वे पूरी तत्परता से जो है काम करेंगे और उसके लिए मैं और चेयरमैन अरुण कुमार त्रिपाठी हम दोनों खुद जो है रोड पर निकल करके चीजों का अध्ययन किया है, हम लोगों ने उसको एक वर्षों तक पूरा जो है बाइलास तैयार किया है, तो हमारे लिए टास्क पूरे हैं, बस हमारे मेंबर्स जुड़े, हमारे मेंबर्स को वर्क दे हम और वो उसी तरीके से स्लम एरिया हो गया या उत्पीड़ित एरिया फ्लाई ओवर्स के नीचे सो रहे बच्चे और उनको शिक्षा की क्या व्यवस्था है, क्या चीजें हैं, इन सारे चीजों के बारे में जो है हम लोग एक विस्तृत व्यवस्था के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। क्या कहेंगे किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरे देश भर की जनता जुड़े और दिल्ली की खासकर स्पेशली जनता आपसे जुड़े, ऑर्गेनाइजेशन प्रचार प्रसार के लिए नंबर ईमेल आईडी किस तरीके से व्यवस्था है? देश के सभी लोगों से मेरा अपील है, सभी छोटे एनजीओ से मेरा अपील है, सभी जो भी संगठन सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनसे मेरा अपील है कि आप सभी लोग आने वाले देश के भविष्य के लिए और आज के देश के वर्तमान के लिए आप सभी लोग जो है एक साथ मिलकर काम करें, हमसे जुड़ें, हमारी वेबसाइट पर, हमारे मेल आईडीज पे, हमारे सदस्यों के द्वारा आप सभी लोग जो है हमारे तक आवेदन दे सकते हैं। और संदेश क्या देना चाहेंगे पूरे देश की जनता? पूरे देश की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य और इसके जो है नियम को सभी लोगों से शेयर किया जाएगा, सब लोग उस पर काम करें और आप सभी लोगों से उम्मीद है और हमारा जो है अपील है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके पूरे देश के बच्चों के भविष्य के लिए काम करें। धन्यवाद।